कहानी की शुरुआत होती है यूरोप के एक जंगल से, जहां एक सूर अपने मालिक के पिंजरे से छूट कर तेजी से भाग रहा था। वहीं पास ही एक सड़क पर सैम नाम का विदेशी बच्चा अपने पिता का ढूंढ रहा था, मगर आज तक वो उनसे मिला नहीं था। सैम को जहां की भाषा भी नहीं आती थी, इसलिए जो भी उसे मिलता अपने पिता की तस्वीर दिखाकर पूछ लेता। उसे देखने के चक्कर में सैम की गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। गाड़ी सीधा जाकर सड़क के बीच में खड़े सूर से टकरा गई। सैम ने तुरंत बाहर कर देखा, सूर काफी जख्मी हो गया था, इसलिए सैम ने उसे उठाकर अपनी गाड़ी में रखा और मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जल्द ही रात हो गई। जब वो स्टोर पर पहुंचा, वहां पर कोई भी नहीं था। फिर सैम ने उस बेचारे सूअर को देखा, वो अब तक मर चुका था। कुछ ही समय में सैम सूअर को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगा तो अचानक से उसे पेड़ों में से आवाज सुनाई दी। सैम ने देखा अंधेरे में कोई खड़ा था जो अचानक चिल्लाकर भाग गया। इससे वो सूअर अचानक से जाग गया कि असल में वो मरा नहीं था, इसलिए सैम उसे गाड़ी में ले गया। तभी अचानक से उसके सामने से वही दोबारा इंसान आया। ये असल में कर्की नाम की लड़की थी। लड़की ने बताया कि ये सूअर उसका ही है। सैम ने उसे गाड़ी में बिठाया और उनके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचकर कर्की ने सैम को कुछ खाने पीने के लिए दिया और फिर उसे वही रात गुजारने के लिए कहा। जल्दी सैम कपड़े उतार कर सो गया। कर्की ने बाहर निकल कर आसमान को देखा, कहा शुक्रिया। कुछ देर के बाद सैम की आँख खुली तो उसके सामने कर्की का पिता गुस था जेनेक्स नाम का एक लड़का खड़ा था। सैम को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। अचानक जेनेक्स ने उसके सिर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद उन्होंने सैम के गले में पट्टा बांधा और तबेले में जंजीर से बांध दिया। जेनेक्स को डर था कि कहीं कर्की सैम को पसंद न करने लगे, इसलिए उसने बिना बात के सैम को पीट कर अपनी बरास निकाली। बाद में कर्की ने आकर सैम के लिए वो जगह साफ की। सैम अपनी पूरी जान लगा के उन जंजीरों को तोड़ कर आजाद होने की कोशिश कर रहा था। अब सैम कर्की के सामने गिड़गिड़ाने लगा। तभी गुस्तोम ने वहाँ पर आकर सैम को पीटना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब सैम उठा, बेचारा काफी दर्द में था। फिर कर्की और गुस्ताओ उसके लिए दो बाल्टियां लाई, एक में उसके लिए जूठा खाना था और दूसरी में सूअर का खाना। कर्की ने सैम को सूअर को खाना खिलाने के लिए कहा, जिसके बदले में उसे डंग का खाना मिलेगा, वरना गुस्ताओ उसे फिर से पीटना शुरू कर देगा। तब सैम ने गुस्से में बाल्टी फेंक दी और कहा कि मैं तुम्हारा पालतू सूअर हरगिज नहीं बनूंगा। गुस्ताओ उसे मारने दौड़ा। कर्की ने उसे रोकते हुए कहा, ये भूखा रहकर खुद ही सीख जाएगा। शाम में उन्होंने सैम के लिए खाना रखा, लेकिन वो उसकी पहुंच से बहुत दूर था। सैम ने उसे पैर से खींचने की कोशिश की कि अचानक एक सूअर आकर सारा खाना खा गया। फिर अगले दिन वहाँ मार्क और विलियम नाम के दो आदमी आए। बेचारे सैम ने उनसे मदद मांगने की कोशिश की, पर वो तो गुस्ताव से कहने लगे कि सैम को खरीदना चाहते हैं। तभी जेनेक्स ने आकर गुस्ताव को ऐसा करने से रोका, क्योंकि अगर सैम चला गया उसे खुद उनका गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। असल में जेनेक्स मार्क का बेटा था, विलियम उनका चाचा, लेकिन वो उसको एकदम गुलामों की तरह रखते थे। आखिरकार गुस्ताव ने उसकी बात मान ली और सैम को बेचने से इनकार कर दिया। फिर रात को जेनेक्स ने आकर सैम की बेड़ियां काटी और उसे आजाद कर दिया। पर तभी कर्की भी बाहर आ गई। उसने सैम को भागते हुए देख लिया। अब जेनेक्स ने कर्की को रोकने की कोशिश की। कर्की ने साफ साफ कह दिया उसके दिल में जेनेक्स के लिए कुछ नहीं है। बात को संभालने के लिए उसने जेनेक्स को चूमने का नाटक किया और फिर सही समय देख कर और उसे धक्का दे दिया। तब जेनेक्स उसे पकड़ कर मारने की धमकी देने लगा, पर अचानक सैम ने वापस आकर जेनेक्स का गला जंजीर से कस दिया। उन दोनों की हाथापाई चल रही थी, तभी एक गोली की आवाज आई। ये गोली गुस्ताव ने चलाई थी। उसने जेनेक्स को वापस घर भेजा और सैम को फिर से पकड़ लिया। अगली सुबह कर्की ने सैम को डंग का खाना दिया, क्योंकि उसने कर्की की जान बचाई थी। सैम ने फिर से कहा, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर नहीं रह सकता। कर्की कहने लगी कि तुमने ही तो मुझे गाड़ी में बिठाया था और वो बेचारा मजबूरी में सूअर को नहलाकर देखभाल करने लगा। बाद में गुस्ताव ने उसे लंबी जंजीर से बांधा ताकि वो बाहर लकड़ी काटने जा सके। जब दरवाजा खुला, सैम कई दिन बाद धूप में जाकर बेहद खुश हुआ। तभी गुस्ताव ने उसे एक सूअर को मारने का हुक्म दे दिया, जिसे वो एक पार्टी के लिए पकाने वाले थे। मगर सैम किसी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। आखिर में गुस्ताव को उस सूअर को मारना पड़ा। फिर कुछ देर बाद वही सूअर सैम के पास आया, जिसकी उसने जान बचाई थी। वो सूअर उसे मम्मी मम्मी कहकर बुलाने लगा। इससे बेचारा सैम इतना डर गया कि उसकी तबीयत ही खराब हो गई। फिर अगले दिन कर्की ने खुद सैम को नहलाया, समझाया कि पार्टी के दिन गुस्ताव उसे पूरे परिवार के सामने दिखा कर अपनी दौर जमाएगा, इसलिए सैम को साफ सुथरा दिखना होगा। इसके बाद उसे कपड़े पहना कर टेबल पर ले जाया गया, जहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे थे। सैम को बाकी लोगों के साथ खाने पीने की इजाजत थी, लेकिन हर वेले उसके गले में जंजीर बंधी रहती। वहीं दूसरी
ऑड्री और जेनक्स को गंदे कुत्ते की तरह दूर बैठा दिया गया। खाने के बाद सब नाचने गाने लगे। कर्की ने सैम को नाचने के लिए बुलाया। उन्हें देखकर जेनक्स की ओर जल गई। तभी मार्क और विलियम जेनक्स को बचा कुचा खाना डालने आए। जेनक्स ने कहा कि वो कर्की से शादी करना चाहता है और उसके बदले उन तीनों को वो तबेला भी मिल जाएगा। मगर मार्क और विलियम ने तुत्कारते हुए कहा कि तू बस एक कुत्ता है, समझा। फिर जेनक्स उनके कहने पर कुत्ते की तरह भौंकने लगा और तो और वो अपने पेट पर मालिश करवा कर खुश भी होने लगा। तभी अचानक गुस्ताव ने सैम को कर्की से दूर कर दिया और कहा कि तुम अभी इसके लायक नहीं हो। फिर कर्की ने सैम को वापस जाने के लिए कहा और जब सैम लौट रहा था तब एक कुत्ता जोर जोर से उस पर भौंकने लगा। अचानक सैम कुत्ते के ही तरह जमीन पर बैठकर भौंकने लगा और असली कुत्ता डरकर भाग गया। उसके बाद जेनक्स झोपड़ी से बाहर निकला और वो सैम पर भौंकने लगा। तब सैम ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी गाड़ी पास ही खड़ी थी और वो भागकर गाड़ी पर बैठ गया, लेकिन दरवाजे में उसकी जंजीर अटक गई। फिर कुछ देर के लिए उसने चैन की सांस ली और गाड़ी में रखी टॉफी खाई। फिर उसने गाड़ी की चाबी लगाकर गाड़ी स्टार्ट की। वाइपर से सामने का शीशा साफ होने लगा। अचानक सैम ने देखा कर्की उसके सामने खड़ी चिल्ला रही थी कि सैम भागने की कोशिश कर रहा है। तभी उसके पूरे परिवार ने सैम पर हमला बोल दिया और उसे खींच कर तबेले में ले आई। सैम ने उसे समझाने की कोशिश की कि भाई मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, जे जंजीर बंधी हुई है, मैं कैसे भागूंगा। पर उनमें से किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी और गुस्ताव उसे सबके सामने कुत्ते की तरह पीटने लगा। बेचारा सैम पूरी रात दर्द से कराता रहा। फिर अगले दिन उसे एक छोटी जंजीर से बांधा गया ताकि वो ज्यादा हिल डुल न सके। अचानक जेनक्स और एक लड़का कुछ सूरों को ट्रक में भर रहे थे। कुछ देर बाद फिर वही सूअर फिर से सैम के पास आया। सैम ने उसे दूर जाने को कहा। जल्दी सूअर ने उसे कुछ औजार लाकर दिए और उनकी मदद से सैम एक बार फिर से भाग निकला और वो सुपके से उस ट्रक में घुस गया। सूअर भी सैम के साथ ही आ गया, पर कुछ ही समय में ट्रक का टायर फट जाने की वजह से वो पलट गया। जैसे तैसे जेनक्स खिड़की से बाहर निकला और उसने देखा सैम और बाकी के सूअर तेजी से भाग रहे थे। उधर कर्की को तबेले में सैम की भाग जाने की खबर मिली और वो फुट फुट कर रोने लगी। तो गुस्ताव तुरंत ही सैम को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वही सैम तेजी से जंगल में दौड़ रहा था। फिर वो अचानक से एक गड्ढे में गिर कर बेहोश हो गया। फिर रात को उसकी आँख खुली। उसने गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार वो बेचारा निराश होकर रोने लगा। अगली सुबह अचानक से गड्ढे में एक रस्सी आई। सैम ने देखा वही सूअर उसे बचाने आया था। जल्दी सैम रस्सी की वजह से बाहर आ गया और फिर सूअर ने उसकी जंजीरें खोलने में मदद की। तभी चारों और बाकी के सूअर भी उनके पास आ गए। सैम ने उनको साथ लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया। वो उसके साथ ही थे तो सैम उनसे सारी अपनी दिल की बातें करने लगा। जल्दी उन्हें खेत में कुछ मिला। सूअर उसे खाने लगे लेकिन सैम उन्हें सिर्फ देख रहा था। तब उसे एहसास हुआ उसके पिता के ढूंढने की चाह उसके अंदर से खत्म हो चुकी थी और न ही उसके अंदर घर लौटने की हिम्मत थी। उधर कर्की सैम के बारे में ही सोचती रहती थी और दुआ करती थी कि सैम उसके पास वापस आ जाए। खैर सैम जब रात को आराम कर रहा था उसे एहसास हुआ उसका एक साथ हंसने और रोने का मन कर रहा था। तभी उस सूअर ने कर्की का नाम लिया। कुछ देर सोचने के बाद सैम ने फैसला किया कि वो कर्की के पास वापस लौट जाएगा। अगली सुबह वो तबेले की ओर निकल पड़ा। तभी सूअर भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। जब वो जंगल से बाहर निकला सैम को गोली चलने की आवाज सुनाई दी। असल में गुस्ताव मार्क और विलियम तीनों एक साथ सैम को ढूंढ रहे थे। जेनक्स उनका कुत्ता बनकर आया था। तब सैम सिपते सिपाते आगे बढ़ने लगा पर जल्दी जेनक्स सूंघते हुए सैम तक आ पहुंचा। तभी गुस्ताव ने सैम के ऊपर बंदूक तान दी और उसे सारे सूअर लौटाने को कहा। सैम को पास ही उसका सूअर दिखाई दिया। उसने एक शब्द न बोला। गुस्ताव ने उसके ऊपर एक भी गोली न चलाई क्योंकि वो उससे पहले अपने सूअर लेना चाहता था। लेकिन अचानक जेनक्स ने बंदूक हथियार ली ताकि वो सैम पर गोली चला सके। जल्दी चारों आदमी बंदूक के लिए लड़ने लगे। सैम मौका देकर भाग निकला कि अचानक उसने गोली की आवाज सुनी और वो वही जम गया और वो तुरंत वापस लौटा। सूअर गुस्ताव का पैर का जख्म चाट रहे थे। अब सैम ने गुस्ताव को अपने कंधे पर ऊपर उठाया और तबेले की ओर चल पड़ा। सैम ने उसकी जान बचाई थी इसलिए गुस्ताव उस पर बहुत खुश था। अब वो उसके साथ गुलाम की तरह नहीं आम इंसान की तरह बर्ताव करने लगा। फिर उसने सैम को अपनी बेटी कर्की से शादी करने की इजाजत भी दे दी। बाद में जब कर्की उसके गांव पर नरम लगा रही थी तो गुस्ताव ने उसे वो गोली संभालने को रखने के लिए कहा ताकि वो मार्क और विलियम से बदला ले सके। इसके बाद कर्की ने सैम को बताया कि उसके पिता उसकी शादी के लिए तैयार हो गए हैं और वही सूअर उन्हें दूर से देख रहा था। उस रात जब वो एक दूसरे के साथ कुछ निजी समय बिता रहे थे तो अचानक एक कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई दी और बाहर से बहुत तेजी से रोशनी आई और दोनों भागकर बाहर निकले। उन्होंने देखा कि तबेले में आग लग गई थी और बेचारे सूअर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। सैम तुरंत ही उन सबको
बचाने के लिए दौड़ा। तभी जनक सामने आया, खुलासा होया कि आग उसने ही लगाई थी, क्योंकि वो ककी और सैम की शादी की खबर सुनकर तिल मिला उठा था। जनक ककी को साइड में ले गया और जबरदस्ती उसको भाग कर अपने साथ चलने के लिए कहा। तभी सैम बीच में आ गया और उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। सैम ने जेनक्स को नीचे पटक कर उसकी आंखों में अपने गूठे घुसा दिए, जिससे जेनक्स दर्द में कुराने लगा। खैर, अब तक काफी शोर आग से बचकर भाग निकले थे। इस घटना के कुछ समय बाद सैम और ककी ने शादी कर ली। मार्क और विलियम ने उनके तबेले में हुए नुकसान की भरपाई की। गुस्ताव के साथ अपनी दुश्मनी खत्म करके एक नई शुरुआत की। गुस्ताव अपनी बेटी की खुशी में बहुत खुश था, पर उसी रात उसे हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब ककी और सैम मिलकर तबेले की देखभाल करने लगे। जल्दी ककी प्रेग्नेंट हो गई। एक दिन सैम ने उस सोर को देखा जिसने उसकी जान बचाई थी। अब वो काफी बड़ा हो चुका था। सोर ने उसे अलविदा कहा और तबेला छोड़कर जाने लगा। ये देखकर सैम सोच में पड़ गया, कहीं उसने यहीं रुककर गलती तो नहीं कर दी? क्या उसे यहाँ से निकलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए थी? यहीं पर ये अजीब और गरीब कहानी खत्म होती है। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।